नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आप हमें इस समय लाइव देख रहे हैं प्रखंड हनुमान नगर विधानसभा बहादुरपुर और ग्राम डिलाही से। और यहां पर हम आपको लगातार धरातल पर से उतर करके बिहार का बाढ़ दिखाने के लिए यहां पर मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं, पहले हमारे कैमरामैन आपको ये दिखा दें कि इधर किस तरीके से पूरा ये जो भी आबादी बस्ती है इस गांव में कैसे बाढ़ प्रभावित हो चुका है, लोगों के घरों में पानी जा चुका है। और हम आपको यही दिखाने के लिए निकले हैं कि कैसे बाढ़ में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अभी हम जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर भी लगभग अगर आप देखें तो 2 फीट पानी नीचे लगा हुआ है। और इस बीच में हम खड़े होकर के यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पानी की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन हम आपसे पहले गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी साथी हमारे साथ लाइव जुड़ जाएं। और मैं जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लगातार द लाइव इंडिया आपको दरभंगा जिला के अलग अलग क्षेत्रों से बिहार के बाढ़ की रिपोर्टिंग करके दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम जानना चाहेंगे उससे और उन्हीं से बात करेंगे कि कैसे ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस बाढ़ के बीच में। क्या नाम हुआ आपका? एक बात बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि बाढ़ का पानी कब एंटर किया आपके गांव में? 15 रोज पानी एंटर किया हुआ गया। कब से इतना पानी लगा पा? पानी 6-7 रोज से। अच्छा, 6-7 रोज से सड़क से पानी आ गया। तो वैसे में आप लोग का रहना सहना? रहना सहना जैसे है वैसे रह रहे हैं। कुछ नहीं मिला, ना पानी मिला, सब कुछ नहीं मिला, ना मिला ना भी नहीं। बाढ़ की स्थिति क्या कैसी रहती है आपके इलाके में? पानी तो बढ़िया रहा है। नहीं, इससे पहले कैसी स्थिति रहती है? मतलब इससे बाढ़, चूंकि अगर माना जाए तो बिहार में एक त्यौहार की तरह है, प्रत्येक वर्ष आता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बाढ़ की स्थिति कैसी रहती है? बाढ़ का स्थिति तो है, जो अभी वर्षा रुक गया तो रुकना है। अभी नहीं, इससे पहले की भी बात। इससे पहले धूप ज्यादा था। इससे पहले मतलब पिछले साल, उससे पिछले साल इससे ज्यादा था। घर पर ऊपर होकर के पानी हमेशा बाढ़ आता है। जी, हमेशा बाढ़ आता है। लेकिन अभी तक आप लोगों को कोई राहत का कोई काम नहीं है, किसी भी तरीके का कोई सामुदायिक किचन जिसमें खाना वगैरह? कुछ नहीं, किसी तरीके कुछ नहीं। यहाँ पे एक सवाल है, जब लगातार आला अधिकारियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा जब बाढ़ पूर्व तैयारी की जाती है तो इसमें एक सवाल ये पूछा जाना चाहिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछले बार समस्या इससे भी ज़्यादा गंभीर थी, जब तक बाढ़ पूर्व तैयारी की गई तो इनको ध्यान में क्यों नहीं रखा गया कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डिलाही में भी कोई ऐसा इलाका है जहां कई लोग प्रभावित होते हैं? और भी कुछ लोग हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील पासवान। क्या करते हैं आप? वही मजदूरी करते हैं, भट्टा में काम करते हैं। भट्टा में काम करते हैं, अभी तो काम पूरा चौपट होगा। चौपट में बैठारी है। बैठारी है। ये बताइए कहाँ घर हुआ इसमें? घर मेरा ये वाला है। ये वाला घर है। एक बार पहले घर को दिखा दिया जाए। चूल्हे उल्ही सब में पानी है। चूल्हे उल्ही सब में पानी है। फिर खाना पीना कैसे बनाते हैं? खाना पानी वो कौन बनाते हैं? कितने बच्चे हैं घर पे? चार। चार बच्चे हैं। बच्चे लोग को? बच्चे लोग के अभी रखते हैं इसी जगह ऊपर। अच्छा सर, हमारा सबको दहलान एरिया है, क्या करें? क्या कह रहे हैं? दहलान एरिया है, हम लोग क्या करेंगे? देखिए चूल्हा चौका सब दहा। जानवर भी पालते हैं? हाँ, जानवर 6-7 गो है इसमें। कहाँ रखते हुए जानवर को? जानवर के ऊपर में पानी दूर दौर है, उसमें बचा के रखते हैं। अब रौदा में कहाँ पानी में खड़ा है, देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे। लेकिन इस बीच में एक सवाल ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बाढ़ ग्रस्त इलाका है, बाढ़ का पानी पूरी तरीके से प्रवेश कर चुका है, तो इसी बीच में जब किसी भी तरीके का कोई इलाज कराने की बात आती है तो आप लोग कहाँ जाते हैं इलाज कराने के लिए? इलाज कराने के लिए बंद करके भाग करके डॉक्टर भाग गया। सरकारी नहीं? सरकारी कुछ नहीं इलाज। फिर कोई स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं नहीं है। कौन सा स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे है बगल में, कभी बंद पड़ा खुला हुआ है? नहीं, कब से बंद है? बहुत दिनों से बंद है। कब खुला था? कब लगभग? कब? 10 साल पहले का बात। 10 साल पहले का बात। बंद करके गया सो आया कहाँ? अच्छा, कोई भी एक व्यक्ति। हम लगातार जब भी किसी इलाके में जाते हैं तो वहाँ के लोगों से स्वास्थ्य को लेकर के भी बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर विषय है। अगर आप स्टेट हेल्थ सोसाइटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, मैं बार बार अपने लाइव में ये चर्चा कर देता हूँ कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी के रिपोर्ट के मुताबिक
बिहार में 534 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जो बंद पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार से यह सवाल पूछना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री से यह सवाल पूछना चाहिए, जब आप स्वास्थ्य को लेकर के बड़े बड़े वादे करते हैं तो फिर ग्रामीण इलाकों में बना हुआ स्वास्थ्य केंद्र बंद क्यों है? आप ही बता दीजिए, जो लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं, ये लोग बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं, ये लोग अपना इलाज करवाने के लिए कहाँ जाएंगे? बचा खुचा अगर आपका बना हुआ स्वास्थ्य केंद्र चालू होता तो कहीं ना कहीं ये लोग अपना इलाज उसमें करवा सकते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि पैसों का बंदरबांट होता है हमारे यहाँ और कैसे उसको उद्घाटन करने के बाद बंद कर दिया जाता है और लोगों को परेशानी झेलने को मिलती है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इससे पहले भी द लाइव इंडिया ने आपको DMCH हो चाहे फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बना हुआ स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी की वीडियो आपके साथ साझा की थी और सभी जगह की रिपोर्ट आपको बताया था। ये आलम है बिहार का और इसीलिए हम बिहार का डूबता हुआ बिहार को दिखाने के लिए निकले हैं, बाढ़ वाला बिहार दिखाने के लिए निकले हैं। देखिए कैसे बिहार में लोग बाढ़ के कारण कैसे लोग रह रहे हैं पानी में रहा। अब देखिए इस बात को। और सबसे बड़ा खतरे की बात पता है आपको क्या है? चूंकि जब कभी भी बाढ़ आती है ना तो कई जानवर पशु सब अपना ठिकाना ढूंढते हैं, उसी बीच में सांप कीड़ा भी अपना ठिकाना ढूंढते हैं और ये पूरे घरों में पानी जा चुका है तो कहीं ना कहीं सांप कीड़ा भी अपना ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। तो ऐसे में इन लोगों के साथ सांप कीड़ा काटने का भी खतरा मंडराता है। और भी है, सारी बात तो मैं खुद बोल रहा हूँ लेकिन मैं बयां कर रहा हूँ इनकी स्थिति देख करके, मैं बयां कर रहा हूँ इनकी हालत देख करके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इनके इलाके में किसी भी तरीके का कम्युनिटी किचन चालू नहीं किया गया है। इनका कहना है कि 15 दिनों से यहाँ पानी प्रवेश कर चुका है, पिछले 6-7 दिनों से पानी सड़क पर आ गया है। और कुछ क्या कुछ मांग करते हैं सर? क्या मांग करेंगे, देवे नहीं करेगा तो मांग क्या करेंगे। 6,000 आया था पिछली बार? हाँ पिछले बार आया 6,000 आया। हाँ सर आया 6,000 आया था। तो 6,000 पूरा का पूरा आपको आया था ना? हाँ पूरे के पूरे। उसमें कहीं बीच में किधर उधर कटा पिटा नहीं ना? नहीं कटल खटल नहीं। अच्छा 6,000 पूरा के पूरा हमरा आया। अनाज मिल रहा है? हाँ अनाज भेट रहा है, राशन। चलिए ये चीज चलिए ठीक है, 6,000 मिला, कुछ राहत मिला, लेकिन जो बाढ़ में नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं कर पाइएगा। फिर भी 6,000 बिहार सरकार की ओर से दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती है। और ये इलाका है, चाहूँगा कि वैसे इलाकों को ज़्यादा बारीकी से सर्वेक्षण किया जाए ताकि जो ज़्यादा प्रभावित हो उनका मुआवजा और भी किसी स्तर से बढ़ाया जा सके। आंगनवाड़ी केंद्र का जो सामान मिल रहा है वो मिल ही नहीं रहा अभी कोनो महिला बच्चा को, क्यों सब खा गया? कौन खा गया? जो लेता है उठा के लाता है वो खा जाता है। आप लोग बोले नहीं, बोलते हैं तो सुनवाइए नहीं लेते हैं, कहाँ किसी की खातिर कुछ कोनो बच्चा को नहीं देता। CDPO को कंप्लेन करिए, जाइए प्रखंड सुनिए नहीं रहा है CDPO तो क्या क्या किया गया? अंडा है, दाल है, क्या है नहीं है, कोई चीज नहीं मिल रहा, सब उठा के लाता है चुरा के खा जाता है। अगर बहादुरपुर प्रखंड हनुमान नगर प्रखंड के CDPO साहब हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो ये सुनिए, जो भी आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ और जो भी उनको दिया जाता है उनके बच्चों को वो नहीं मिल रहा है, ये शिकायत कर रहे हैं, तो कृपया आप इसकी जांच करिएगा। यहाँ पे बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, आप लोग शेयर करिएगा। हम आप ही के लिए 2 फीट पानी में उतर करके आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर लोगों का आरोप है कि जो भी सरकारी सहायता है जो पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, नहीं मिलता, ये एक ही गांव की समस्या नहीं है, अलग अलग गांव की समस्या है। आपको भ्रष्टाचार का एक नमूना, एक लंबी फहरिस्त मिल जाएगी, चाहे अगर आप वो जन वितरण प्रणाली पर अगर आप नज़र डालेंगे तो वैसे तो अगर कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा अनाज वैसे तो 2 आदमी का 10 kg मिलना चाहिए, ऐसे 10 kg मिलना चाहिए, लेकिन आपको 9 kg मिलेगा। जब आप डीलर से सवाल करिएगा तो डीलर का जवाब ये आएगा कि साहब हमको गोडाउन पर ही कम मिलता है। यहाँ पे पहले एक से एक तरफ थोड़ा दिखा दिया जाए, ये अपने दूध की टोली लेकर के, दूध है उसमें? अच्छा दूध है, दूध की टोली लेकर कहाँ लेकर जा रहे हैं? दरभंगा जा रहा है। दरभंगा जी, दूध देने के लिए? जी दूध पार्सल करने के लिए। दूध पार्सल करने के लिए कहाँ घर है? इधर इधर कालीगांव में मेरा घर हुआ। ऐसे गाड़ी लेकर के जाते हैं? जी जी दूध ले जी डेली जाते। आपका दूध का व्यापार ही है? व्यापार हम व्यापारी करते हैं। अच्छा खरीद बिक्री का काम करते हैं। चलिए ये बता रहे थे कैसे कि इनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, आप इससे ये नज़र डाल सकते हैं और यहाँ पर से देख सकते हैं।
क्योंकि ये दूध लेकर के जा रहे हैं, डेली गाड़ी बंद हो जाता है इसमें, डेली गाड़ी बंद हो जाता है, डेली गाड़ी बंद हो जाता है। फिर चालू कैसे होता है? ऊपर में ले जाने के बाद चालू करते हैं, पूरा ऐसे धक्का मार के ले जाते हैं जी। वहाँ से 3 किलोमीटर नैया से आए हैं, यहाँ पर उतरे नैया से। नाव चल रहा है उधर जी? नैया चल रहा है जी, नाव चल रहा है जी। 3 किलोमीटर उधर से, उधर भी कितना इलाका प्रभावित है? उधर बहुत गाँव है पानी में। लगभग कितनी आबादी हो सकती है? बहुत आबादी है, तो गांव के कुछ गिनती है, इधर सब दहाया हुआ है। अच्छा, आपका गांव कहाँ है ये बताइए? काली गांव। काली गांव में, यहां से 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर वहां। ये बताइए, किसी भी तरीके का कोई खाना पीने का व्यवस्था सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। आप लोग कैसे खाना पीना खाते हो? जब हम लोग कमाते हैं, खाते देखते हैं, डूब के जा रहा है। आपके घर में भी पानी घुसा हुआ है? हां, मेरा घर में भी पानी है, उसका सब खुल गया। ये आलम है, और बिहार वाला बाढ़ हम दिखा रहे हैं आपको, और देखिए कैसे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। तो हम आपको यहाँ से दिखा रहे थे दरभंगा जिला के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के हनुमान नगर प्रखंड के डिलाही गांव से हम आपको लाइव दिखा रहे थे। मैं आपसे एक बार जाते जाते एक बार गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए, द लाइव इंडिया सर्च करिए, वहां सब्सक्राइब करिए, और आप हमारी वीडियो को शेयर करके हमारा सपोर्ट करिए, ताकि इसी तरीके से हम बाढ़ वाला बिहार दिखा सकें। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही।